हरित क्रांति की सफलता ने बेहतर बीजों और उन्नत खादों से भविष्य को और उज्ज्वल बनाया, परंतु भविष्य में आगे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से मानव अनभिज्ञ रहा। दूरदर्शिता के अभाव और अत्यधिक लोभ से प्रेरित होकर प्राकृतिक संपदाओं के अतिरिक्त दोहन ने हम मानव की अवस्था राजा मिदास जैसी कर दी है, जिसके निरंतर लालच ने ही उसके हाथों सब कुछ गंवा दिया। बढ़ती हुई आबादी के साथ खाद्य पदार्थों की भी खपत उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। जितनी ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि होगी, उतना ही अधिक भोजन का उत्पादन जरूरी है। इसलिए फसलों का स्वस्थ एवं स्थिर होना उतना ही जरूरी हो गया है। फसलों की दक्षता बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य हो गया है। परंतु कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की क्षति से उत्पन्न हुए पर्यावरण के खतरे को और बढ़ाया है। सिंथेटिक रसायनों द्वारा बनाए गए इन विभिन्न रासायनिक यौगिकों का कार्य है कीट एवं उनसे उत्पन्न होने वाली बीमारियों को हटाना, परंतु यही कीटनाशक जीवों पर गहरा नकारात्मक असर डाल रहे हैं, चाहे वो मानव स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो या भविष्य। कीटनाशक खाद्य श्रृंखला पर असर डालकर मानव जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है। भोजन श्रृंखला को समझने के लिए हमें प्रकृति और पर्यावरण को भी समझना जरूरी है। पर्यावरण का अर्थ है कि वातावरण की गर्मी, नमी, हवा का चलना, और प्रकृति से मतलब है कि इन सब चीज़ों का समावेश करते हुए जीव का के जीने की क्षमता। इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के लिए जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। इसको हम भोजन श्रृंखला इस हिसाब से कहते हैं, कुछ लोग इसे खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा अर्थ ये है कि जब जमीन में या पानी में, समुद्र में छोटे छोटे जीव रहते हैं, जो पानी में जिनको कवक और हम दूसरी चीज़ें कहते हैं, जो छोटे छोटे उगते हैं और उनको मछलियाँ खाती हैं, मछलियों को थोड़ी बड़ी मछलियाँ खाती हैं, उनके ऊपर दूसरे जंतु खाते हैं और उनके ऊपर उनके प्रीडेटर यानी जो उनके दुश्मन जीव रहते हैं वो उनको खाते हैं। ये भोजन श्रृंखला कहलाती है और ये भोजन श्रृंखला विभिन्न जीवों के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। भोजन श्रृंखला में विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर और चतुर्थ स्तर। ये चार स्तर होते हैं और इन चारों स्तरों के ऊपर किसी भी स्तर पे, स्तर से मतलब है भक्षण करने वाले जो जीव जंतु हैं उनके आकार और उनकी स्थिति भोजन की, उसके हिसाब से होता है। सामान्य तौर से प्राथमिक स्तर में वही जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द्वितीयक स्तर में और तृतीयक स्तर में वो जीव आते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, और चतुर्थ स्तर में वो आते हैं जो जीवित के ऊपर भी भोजन करते हैं और मरे हुए जंतुओं के ऊपर भी भोजन करते हैं। और इन सब स्तर पे कहीं भी जहाँ भोजन का जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ आता है, उसके उपयोग में यदि किसी प्रकार के कृषि रसायन या किसी भी रसायन का उपयोग बाह्य रूप से किया गया है, कृत्रिम रूप से किया गया है, आर्टिफिशियली किया गया है, तो इस स्थिति में उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों आते हैं। और प्रभावों में तो जैसे उसकी लगातार उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने की समस्या खत्म हो जाती है, और दुष्प्रभाव की बात करें तो हो सकता है कि उस रसायन के कारण उस जीव की बनावट पे या उसकी अगली पीढ़ी में जाने की जो गतिविधि है उसके ऊपर असर आ जाता है। ऐसी स्थिति में अब कृषि रसायनों की बात करते हैं तो आज के युग में किसान की भी समस्या क्या है कि किसान ये सोचता है कि मुझे जो भी डालना है मैं रेडीमेड यूज़ करूं और सीधे सीधे डालता जाऊं, और किसान थोड़ी सी लायत लाली के कारण उसको कैसे नापना या कितनी निश्चित मात्रा अनुशंसित है उसी में डालना या उस मात्रा से कम ना डालना या ज़्यादा ना डालना, क्योंकि कृषि रसायन का जब किसी भी कीटनाशक या किसी भी रूप में उपयोग किया जाता है तो उसकी ज़्यादा मात्रा या उसकी कम मात्रा है, यानी सब डोजिंग और ओवर डोजिंग, इन दोनों स्थितियों में रसायन के प्रति
प्रतिरोधन क्षमता कीट में बढ़ जाती है और ये प्रतिरोधन क्षमता एक निश्चित समय के बाद बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमको रसायन की मात्रा उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको प्रबंधित करने के लिए हमको ज़्यादा लगने लगती है। अच्छा, एक तरफ हम प्रबंधित करने की बात कर रहे हैं, यानी उसकी जो पॉपुलेशन है ऐसे विनाशक कीटों की जो हमारी फसल को नुकसान करके ख़त्म करते हैं, तो हम उसमें कि भाई हमको इतना कीटनाशक डालना है, पर उस कीटनाशक के चक्कर में हम बहुत सारे ऐसे उपाय भी होते हैं जिनसे हम भोजन श्रृंखला को बिना नुकसान पहुँचाए अपना काम कर सकते हैं। रसायनों के दुष्प्रभाव की बात आती है तो रिचल कार्सन की बात मैंने कही कि उनने मधुमक्खियों के करोड़ों की संख्या में हर वर्ष मधुमक्खियां, सिर्फ हमने जो फूलों के ऊपर रसायनों का छिड़काव किया है या तो उनके रखरखाव के लिए या दूसरे जो शत्रु कीट हैं उनको ख़त्म करने के लिए, इन सारी अवस्थाओं में मधुमक्खियां करोड़ों की संख्या में मरती हैं। और जो कुछ मान लीजिए सहनशील हो गई, जिनने परागण जो अपने पैरों में इकट्ठा करके लाती हैं, तो उस परागण से जो शहद या दूसरी चीज़ें और दूसरी दवाइयां बनती हैं, इन सब में भी उन कीटनाशकों की मात्रा आती है। और सबसे दुष्प्रभावी कीटनाशक की यदि हम बात करते हैं रसायन की, तो डीडीटी की बात आती है। डीडीटी जब आया था तो इसको रामबाण समझा गया था। यह समझा गया था कि डीडीटी आ गया तो दुनिया की सारी कीटों की समस्या खत्म हो जाएगी, परंतु जल्दबाजी का कदम था उस समय, समय की जरूरत थी, फसलों को सुरक्षित करना जरूरी था, उनका काम शुरू किया गया। ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप में आता है डीडीटी, तो इनके कारण से क्या हुआ कि कीटनाशक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। और जब कीटनाशक का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ा तो अनजाने में पता ही नहीं चला कि कब बहुत सारे पक्षी, जंतु, तितलियाँ विलुप्त होने की कगार पे पहुँच गई। और आज परिस्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे तो जंतु हमको दिखते ही नहीं हैं, जैसे आप कौए की चहचहाट की बात करो आपको बहुत कम दिखते हैं, गिद्ध, चील, ये बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं। क्यों दिखाई नहीं देती हैं? क्योंकि ये रसायनों का दुष्प्रभाव इनके ऊपर, अनजाने में इनने जिस जगह भोजन किया, चाहे जीवित अथवा मृत जीव के ऊपर, मृत जीव के शरीर के ऊपर, तो उसमें ये मरते गए। ये तो एक चीज़ है कि इनके भोजन से इनको नुकसान हुआ। दूसरी तरफ डीडीटी की खासियत क्या है? डीडीटी और भी बहुत सारे रसायन हैं ऐसे कि जिनके कारण से एक से लेके 10-12 साल बाद भी असर हमको दिखता है। जैसे समुद्र में डॉल्फिन और दूसरी मछलियां जब मरी और उनके बारे में जब देखा गया तो जो 10 साल पहले उनने भोजन किया था वो डीडीटी उन, चूंकि ये वसा में सरलता से घुल जाता है, उसमें अवशोषित हो जाता है, तो ये 10-10 साल के बाद भी ये डीडीटी हमको उनके शरीर में दिखाई दिया। इसके कारण क्या हुआ कि उनके शरीर में बहुत सारे रासायनिक बदलाव हो गए, जिनके कारण से या तो उनका जो एसिटाइल कोलिन बॉन्ड और दूसरी चीजें रहती हैं जो शरीर में अंगों में एक अंग से दिमाग तक और दिमाग से अंगों तक संचार करती हैं विभिन्न प्रकार के इशारों का, वो चीज कम होती गई, जिसके कारण से उनकी भोजन में सामने होते हुए भी भोजन कई कीटों ने नहीं किया और वो मरते गए। ऐसी ही स्थिति आई कि कुछ पक्षियों में जो अंडों के ऊपर जो कैल्शियम की सतह होती है, जो जब पक्षी अंडे देते हैं और उनको सेते हैं, उस समय एक विशेष गर्मी, एक विशेष तापमान के ऊपर वे कुछ निश्चित समय तक उसमें अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं, जिससे कि उस गर्मी के कारण से जो भ्रूण अंदर पल रहा है वो बच्चे के रूप में पूरी तरीके से विकसित होके और पूर्ण विकसित अगला जीव उसमें अगली पीढ़ी का निकले। परंतु दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जब ये ऐसे रसायनों का उपयोग किया गया तो अंडे की सतह पतली हो गई, उसकी जो ऊपरी लेयर थी, तह जो थी, परत जो थी, वो बहुत पतली हो गई। तो पक्षी जैसे ही उसको सेने के लिए उसके ऊपर ब्रूडिंग ब्रूडर के ऊपर बैठते थे तो उसके कारण से वो फूट जाते थे अंडे, तो अगली पीढ़ी में हमारा पक्षी पहुंच ही नहीं पा रहा था। और यही कारण है कि बहुत सारी जातियां हमारी विलुप्त प्राय होती जा रही हैं। ये बड़ी भयावह स्थिति है विभिन्न कीटनाशकों के उपयोग के कारण से। भोजन श्रृंखला में
कीट रसायनों या कृषि रसायनों के आने से लगभग हर प्रजाति को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कीटनाशक आधुनिक युग में अलग अलग कीटों के हिसाब से उनके मुखांगों से मतलब है जिनके द्वारा वो भोजन करते हैं। हम अपना ये कृषि रसायन कहाँ छिड़कते हैं? पौधों के ऊपर, जहाँ पर वो भोजन करने के लिए आते हैं। और जब कीट वहाँ भोजन करते हैं तो उनके मुखांग, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पौधे से रस चूसते हैं, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पत्तियों को चबाकर या कुतर के खाते हैं। इन सारी परिस्थितियों में उन भोजन उनके शरीर में किसी न किसी प्रकार से जाता है। और जब रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हम कृषि रसायन का उपयोग करते हैं तो हम दैहिक कीटनाशक या सर्वांगी कीटनाशक की बात करते हैं। सर्वांगी मतलब जिसको हमने पौधे के एक अंग पे छिड़का और वो पूरे शरीर को विषाक्त बना देता है, विषैला बना देता है। यानी फिर किसी भी अंग से कीड़ा जब रस चूस तो वो रस चूसने के साथ साथ, रस कैसे चूसता है कीड़ा कि पहले इंजेक्ट करता है, यानी जैसे इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है तो पहले अपना जो पानी रहता है डिस्टिल्ड वाटर उसको शीशी में डालता है प्रेशर से, तो कीड़ा ऐसे ही अपनी लार उसमें डालता है। तो जब वो विषाक्त पौधे के ऊपर भोजन करता है तो वो जो लार के साथ पौधे के शरीर में जो विषैलापन है वो आ जाता है उसके शरीर में, और इसके कारण से भोजन तो मिला, संतुष्टि उसको हो सकती है, परंतु लंबे समय में, अच्छा कीड़े की क्या है, एक महीने दो महीने में एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, यानी एक साल में कई कीड़ों की तो कई कई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। तो वो जो रसायन की मात्रा, और रसायन की मात्रा काहे के ऊपर निश्चित होती है, या तो चूहों के ऊपर या आदमी के ऊपर, कि या तो उसकी त्वचा पे कितना असर कर रही है घातक असर, या उसके भोजन में कितनी जा रही है तब उसकी विषाक्तता हो रही है। पर कीड़ों के लिए ये मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, यही कारण है कि विषाक्तता का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जो हम लोगों को सामान्य तौर से समझ में नहीं आता, पर प्रजाति जो निरीह कीट हैं बेचारे वो खत्म होते चले जाते हैं। जितने तरीके के भी कीट हैं इन सब पर इसका असर होता है, और कीटों को खाने से नुकसान हो रहा वहाँ ठीक है, पर कीटों के ऊपर जो दूसरे जंतु आश्रित हैं भोजन के लिए, जैसे कि टिड्डे की बात करते हैं, टिड्डे को दूसरे पक्षी जो चिड़ियाँ हैं दूसरी ये सब खाते हैं, या इल्लियों को खाते हैं, तो इन इल्लियों और इनको खाने के बाद उनके शरीर में चला जाता है, और जब इन पक्षियों के भी परभक्षी उनको खाते हैं तो वहां तक घातक परिणाम आते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि पिरामिड शेप बनता है, एक तिकोना शेप आकार बनता है जिसमें नीचे तो संख्या ज्यादा है जिनने कीड़ों ने खाया, पर धीरे धीरे ज्यादा को कम ने खाया, कम को और कम ने खाया, और कम को एक या दो ने खाया। इन सारी परिस्थितियों में विषाक्तता का असर मानव जाति के ऊपर तक आ जाता है। आज हम कई जगह देखते हैं आपकी बीपी की सामान्य तौर से शिकायत या अस्थमा की शिकायत दिखाई हमको देती है, उसका कारण क्या है? ये कीटनाशकों का जो अंधाधुंध प्रयोग होता है इसके कारण से अनजाने में सांस के द्वारा या उनके शरीर के संपर्क में आकर ये कीटनाशक प्रवेश कर जाते हैं शरीर में और इनका नुकसान होता है। और जब कोई चीज भोजन के रूप में जाती है तो जैसे आदमी सब्जी भी खाता है और आदमी मांस मछली आदि भी खाता है, तो यदि कोई ऐसी मछली या कोई ऐसा जंतु जिसके ऊपर वो भोजन के लिए आश्रित है और उसमें कहीं ना कहीं से यदि कीटनाशक के अंश आ गए तो इसका सीधा सीधा असर यह आता है कि मानव प्रजाति भी खतरे में आ जाती है। आज यही कारण है कि बहुत सारी बीमारियां, अनजानी बीमारियां जो पहले कभी नहीं दिखाई देती थी आज हमको दिखाई देती हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि कीटनाशक का असर संपूर्ण जीव जो श्रृंखला है उसके ऊपर पड़ता है। लंबे समय तक जब कीटनाशकों का और कृषि रसायनों का हम उपयोग करते हैं, जैसा कि हम हर समय कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन रसायनों का दुरुपयोग भी हो रहा है और इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमारे देश में तो स्थिति यह है कि ऐसे बहुत सारे रसायन हैं, चाहे वो कृषि के रूप में हों या किसी दूसरे रूप में, बिना किसी आज्ञा के या अनैतिक तरीके से उनका इस्तेमाल
हमारे देश में हो रहा है और अनजाने में हम उस गड्ढे पर, उस बारूद के ढेर पर बैठ गए हैं जिससे हमारा ही नुकसान हो सकता है। ये जो कीटनाशक या कृषि रसायन होते हैं, इन रसायनों की खासियत क्या होती है कि एक तो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी जो चर्बी है जंतु के शरीर में उसमें सरलता से अवशोषित हो जाते हैं और घुल के उसके साथ उसका स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में वो वहाँ बरसों तक बने रहने की उनकी स्थिति बन जाती है। और इसके अलावा ये सरलता से सड़ते या ख़त्म नहीं होते, यानी बहुत कठिन तरीके से ये डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं। और जब डिकम्पोज भी होते हैं तो इसमें सूर्य प्रकाश का बहुत रोल रहता है, परंतु होता क्या है कि जंतु जिस जगह पे मरता है वहाँ सूर्य की गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, या वो स्थिति ऐसी रहती है जहाँ पे उसको सूर्य की गर्मी के कारण से विखंडन होने की स्थिति नहीं बनती है। ऐसे बहुत सारे रसायन हैं जिनका, चाहे धान की फसल में या जिनमें मतलब हम ज़्यादा पानी देते हैं या ऐसी फसलें जिनमें हम कम पानी देते हैं, उनमें कीटों के प्रबंधन के लिए बहुत सारे कीटनाशकों का उपयोग जो किया जाता है और इनके अन्यायपूर्वक, अनैतिक और अंधाधुंध प्रयोग के कारण स्थिति ऐसी बन गई है कि कुछ कुछ जगह इमिडाक्लोप्रिड जैसा एक रसायन आता है, इसकी 1 से 2.5 मीटर नीचे तक जमीन में कहीं कहीं परतें इसकी पाई गई हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो लंबे समय तक परत में जमीन के नीचे रह रहा है और परत में रहने के बाद जब पानी के स्रोतों में वो कहीं से मिल जाता है तो उसकी विषाक्तता उनके जल के जो स्रोत भूमिगत हैं उनमें भी आ जाती है। इसके अलावा जो कीड़े जिनमें ये 10-10, 20-20 साल तक, कीड़े से मतलब है भोजन श्रृंखला के विभिन्न जंतु, परभक्षी और दूसरे जो रसायनों या वनस्पतियों को खा के जिंदा रहते हैं, इन सब के ऊपर इसका ऐसा दुष्प्रभाव होता है कि जो इस पे भोजन करता है उसमें उसका नुकसान या खराबी आती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि उसको खाने के बाद जीव जिंदा भी रहता है और उसके बाद जो दूसरा जीव उसको खाता है उस पे उसकी खराबी होती चली जाती है। और ये जो खराबी है, ये खराबी या तो उसकी अगली पीढ़ी में जाने की स्थिति में या उसके शरीर में किसी प्रकार की विकृति या उसके पंखों का ठीक ढंग से नहीं खुल पाना या उसकी पाचन शक्ति में कमी होना या उसके सामान्य व्यवहार से अलग हटके उसके व्यवहार में अलग प्रकार की बनावट आ जाती है जो इसको नुकसान करती है। और प्रकृति में प्राकृतिक स्वभाव होगा तभी जीव प्रकृति में सरलता से जिंदा रह पाएगा। भोजन श्रृंखला में कृषि रसायनों का इस्तेमाल कम तो किया जा सकता है पर इनसे बचना नामुमकिन है। कारण क्या है कि दिन प्रतिदिन के भोजन में, जैसे हम भोजन, हमने कुछ कोई चीज़ पैदा की, कोई फसल, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। EDB एम्पुल्स हैं और दूसरे और भी बहुत सारे एल्यूमिनियम फास्फाइड और दूसरे प्रकार के रसायन रहते हैं जिनका इस्तेमाल भंडारण में लगने वाले कीटों और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं जैसे चूहे और दूसरे हैं उनसे रोक लगाने के लिए भी हम रसायनों का उपयोग करते हैं। तो इसका बड़ा सीधा तरीका है कि हम, पहली चीज, रसायनों का जब तक आवश्यकता ना हो इनका उपयोग ना करें, क्योंकि जैसे हम भंडारण किसी चीज़ का करना है तो हम यदि सूर्य की गर्मी में एक निश्चित समय तक उसको सुखाकर और भंडारण में यदि नमी का प्रतिशत, मान लीजिए हम 9 से 12% के बीच में दाने के अंदर यदि हम नमी रख पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कीड़ा या भंडारण में कीट कम लग पाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार ये कहा जाता है कि विश्व में जितना नुकसान भंडारण में कीड़े, बीमारियों, विभिन्न प्रकार की फफूंद, चूहे और उनके मलमूत्र विसर्जन आदि और सड़ांध के कारण जो होता है, यदि उसको सुरक्षित कर लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप की पूरी आबादी को लगभग 1 माह तक बिना किसी लागत के खिलाया जा सकता है। इसका अर्थ आप समझें कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए कीटनाशकों और कृषि रसायनों का उपयोग भंडारण के सुरक्षित रखरखाव की बात के लिए होता है, परंतु इसमें अति नहीं होना चाहिए। और इसमें जब अति होती है, अति सर्वत्र वर्जयते, और अति के कारण से कीटनाशकों का दुष्प्रभाव फिर आदमी के शरीर पे भी दिखने लगता है।
वैसे तो मिलावट की बात होती है, परंतु मिलावट के साथ साथ इनका रसायनों की मिलावट जितनी कम हो उतना अच्छा है। जैसे कोई चीज़ भंडारण में, या कोई चीज़ हमने दवाई का इस्तेमाल करके हमने उसको पैदा किया है, तो उसको समयोचित धूप भी दिखाई जाए, कोई चीज़ इस्तेमाल करना उसके पहले धूप दिखाई जाए, इसके अलावा उसको हवा में, खुली हवा में छोड़ा जाए तो जितना गैसीय स्वरूप है वो निकल जाता है। फिर जब रसायनों की बात होती है तो इसमें एक रेसिडुअल बात आती है, एक ऐसी बात आती है जो उसके अवशेष के रूप में काफ़ी लंबे समय तक फसल के अंदर रहती है, पर यदि बाह्य स्वरूप को यदि हटा दिया जाए तो हम कुछ हद तक इसके नुकसान से बच सकते हैं। सब्जियां, जैसे अब हरी सब्जी में कृषि रसायनों का उपयोग होता है, तो हम उसको यदि नमक के पानी में करीब 10 से 15 मिनट तक या 20 मिनट तक, ब्राइन सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें यदि हम भिगा के और फिर सब्जियों का इस्तेमाल, पहले तो सादे पानी से धो लें और फिर नमक के पानी में 10-15 मिनट भिगा के रखने के बाद यदि हम करें, तो बाह्य रूप से जितने कीट रसायन या कीटनाशकों का उपयोग हुआ है वो उसमें से हम कम कर सकते हैं, और जितना कम करेंगे उतना हमारे ऊपर उसका दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा। यह हमारी ऐसी सावधानी है जिसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। जैविक खेती पुरातन तरीके से या कुछ इस प्रकार के तरीके से की जाती है जिसमें कृषि रसायनों का कम से कम या नहीं के बराबर उपयोग होता है या नहीं होता है। जैविक खेती में आज जो मानक बने हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार के रसायन के उपयोग की टोटल मनाही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कृषि रसायन नहीं होंगे उसमें तो हमारे पास विषाक्तता कम से कम आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम देसी भलीभांति पके हुए खाद का इस्तेमाल करते हैं, सड़े नहीं बोलते आजकल खाद को, कहा जाता है अच्छी तरीके से पका हुआ खाद। वो पके हुए खाद की खासियत क्या है, चाय जैसा भुरभुरा होता है, चाय की पत्ती जैसा, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है और नमी लिए हुए होता है, और इसको यदि सफेद कपड़े में भी रख दें तो किसी प्रकार का रंग वो नहीं छोड़ता है। और जब जैविक खेती में सही तरीके से देसी खाद का इस्तेमाल होगा तो पत्तियों में चमक, सब्जियों में गुणवत्ता, बीजों में चमक और जितनी आवश्यक चीज़ें रहती हैं वो उसमें सरलता से मिलती हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि बोले भैया जैविक का जब हमने खाया तो उसका स्वाद हमको सामान्य से अलग लग रहा था, या जो रसायन से उगाई हुई जो फसलें हैं उनसे उसका स्वाद बिल्कुल अलग लग रहा था, यानी टेस्टी लग रही थी। पर टेस्टी लगने का कारण क्या है कि भलीभांति पका हुआ जब खाद मिलता है, यानी उसको पोषण के जितने भी आयामों की जरूरत होती है, आदानों की जरूरत होती है, वो सब उसको मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, तो पौधा अच्छी तरीके से बढ़ता है। और स्वस्थ शरीर यदि पौधे का होगा तो उसमें कीड़े भी कम लगेंगे, बीमारियां भी कम लगेंगी, क्योंकि उसमें अपने आप प्राकृतिक प्रतिरोधन क्षमता आ जाती है। बेहतर फसल के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक और रासायनिक खाद पर्यावरण को लाभ कम और हानि ज्यादा पहुंचा रहे हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि सक्षम हो रही है जो मानव के लिए काफी अच्छा है, परंतु जो लंबा असर कीटनाशक मानव जीवन, खाद्य श्रृंखला और पूरे पर्यावरण पर डाल रहे हैं उसे अनदेखा करना असंभव है। पेंगुइन और ध्रुवीय रीछ जैसे निर्दोष वन्य जीव भी इन रसायनों के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। जो हम सामने देख रहे हैं वो कोई जहर की खुराक नहीं है जो गलती से किसी खाद्य पदार्थ में मिल गई है, बल्कि ये पूरे पर्यावरण को निरंतर विषाक्त कर रही है, जो इस धरती के सभी जीवों को डायनासोर्स की तरह विलुप्त कर देगा। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ निश्चित रूप से ही विनाशकारी साबित होगा। सौभाग्य से कई जैविक कीटनाशक हैं जो पर्यावरण पर इतना नकारात्मक असर नहीं करते, क्योंकि वो महंगे हैं इसलिए कम इस्तेमाल होते हैं। प्रकृति अपने आप में निर्भर है, जैसे कि पायरेथ्रम का पौधा जो कि कीटनाशक का भी काम करता है। धरती पर जीवन बचाने के लिए ऐसे उपायों को अपनाना ही समझदारी का काम होगा, और तभी हम धरती के पर्यावरण को बचा सकेंगे।